पाजी आज का टाइम जो है मोबाइल का है. हाँ जी. आजकल बच्चा जो है माँ की उंगली पकड़ के बड़ा नहीं होता, मोबाइल पे चला चला के उंगलियां ना बड़ा हो जाता है आजकल. लेकिन मोबाइल का एक फायदा तो है, बच्चों की अंगूठा चूसने की आदत चलेगी क्योंकि अंगूठा तो उनका कीपैड पर रहता है. छोटे से बच्चे का अंगूठा इधर ABC छपा होगा उसके, इधर DEF. वो दिन गए जब माए बच्चों को लोरियां सुनाती थी. हमारे टाइम पे हम लोग कैसे पले बाजी, दो पेड़ों के बीच में लंबी चद्दर डाल के मम्मी रोटियां पका रही थी, चल उधर चलो चपातियां बनाते बनाते बच्चे बड़े हो गए. बच्चे क्या, माए बच्चों की आजकल मोबाइल पे बिजी है. एक हाथ से बच्चों को खाना खिला रही है, इधर बच्चा बैठा निकल जा, दूसरे हाथ से मोबाइल चेक कर रही है. बच्चे पता ही नहीं बच्चे के मुंह में जा रहा है कि कान में जा रहा है. कभी कभी तो कोई ऐसी चीज आ जाती ना, आंखें खुल जाती, हा ये क्या गया. तो इनका हाथ वहीं रह जाता. ऐसे बच्चे जो वेट करें ना, वो फिर गुस्से में माँ के हाथ पे काटते हैं. अच्छा पहले भीड़ वहां होती थी जहां लंगर होता था, चंदन को तो पता ही होगा. लेकिन आजकल भीड़ वहां आती जहां फ्री का वाईफाई लगा हो. आपके घर मेहमान आए ना, तो इससे पहले कि आप पूछो कि आप चाय पानी लेंगे, वो पहले मुंह बना के पूछ लेते हैं, वाईफाई का पासवर्ड होगा. तो मतलब पागल हुई पड़ी दुनिया. कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे आजकल स्टेटस डालते हैं, आई एम बिजी, पूरा डाल के रखते हैं व्हाट्सएप पे. ये वो लोग होते हैं बिजी लिखने वाले जो एक एक घंटा ना शीशे के आगे खड़े नाक के बाल काटते रहते हैं. इनको कोई काम नहीं होता ये. कुछ लोग ऐसे स्टेटस डाल देंगे, लाइफ इज जर्नी. ये खुद कभी दिल्ली तक नहीं गए होते, इनकी सारी जिंदगी निकल जाती है बेडरूम से बाथरूम तक जाने में. अच्छा कुछ लोग स्टेटस कॉपी कर लेते हैं, अपना ये दिनेश है ना गिटार वाला, इसने स्टेटस कॉपी कर लिया. किसका? ऐसे ही फेसबुक पे डाल दिया, आई एम मिसिंग स्कूल डेज. मैंने कहा तू क्या मिस कर रहा है, तेरे साथ जितने भी बड़े सारे बैंड बजा रहे हैं. एक यहाँ पे खड़ा होके बोल रहा है, तेरे प्रिंसिपल दास दादा फोटो खींच रहे हैं, मिस किसको करता है. सुबड़ी में घूमड़ी. अच्छा फेसबुक पे चले जाओ आप, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, हर कोई पार्टी की फोटो डाल रहा है, गोवा की. इंस्टाग्राम देख लो, ऐसा लगता है सारी दुनिया मालदीव्स गई हुई है. सब मियां बीबी हंस हंस के फूल पकड़े एंजॉय कर रहे हैं. और अगर असलियत पता करो ना, ये जो मियां बीबी की हंसी मजाक वाली फोटो डाल रहे हैं, हंसते हंसते एक दूसरे को आइसक्रीम दे रहे हैं, दो मिनट पहले इसी फोटो के लिए झगड़ा हुआ होता है कि मेरे साथ कभी फोटो डालते नहीं हूँ, तुम्हारी ऑफिस की रेनू उसके साथ बड़ी हंस हंस के फोटो डालते. डालो हंस के, स्माइल करके डालो. आजकल स्नैपचैट चल गया है, स्नैपचैट में कुछ लोगों जिनको कुत्ते बिल्ली पसंद भी नहीं है, वो खुद कुत्ते बिल्ली बन के फोटो डाल रहे होते हैं. वॉइस चेंजर भी आ जाता है ना, वॉइस चेंजर, मैं तुम्हारी बिल्ली हूँ, मुझे दूध पिलाओ, मैं तुमको काट लूंगी. मैं फोटो दिखाता हूँ और किसी की बात करूँ, मैं अपने ये जो हमारे महारथी है ये सब बैठे हुए, इनकी फोटो दिखाओ जरा. ये देखो ये हमारी लल्ली. तो जो टीवी पे इतने मशहूर हैं, फिर भी पता नहीं क्यों मशहूर होना इन लोगों को. और ये देखो. अच्छी बड़ी खूबसूरत मॉडल लड़की, मिस इंडिया रह चुकी है, हुलिया बिगाड़ रखी, बिल्ली बनी हुई है. तेरे चक्कर में ना लोग बिल्ले बन के घूम रहे बाहर. ये देखो. तो यहाँ पे कम सामान लगा के घूमते हैं, जो बाहर भी लिपस्टिक डाल रहे हैं. कीकू हमारा, आगे दिखाओ और भी हैं. पर मैं आपको बात बताऊं, एक इस शो से ज्यादा ऐसे कमाता है. अगर आपको कहीं मिलना हो ना रात 9 बजे के बाद, तो ये आपको लोखंड वाला मिलेगा. ओ पाजी, आप बता. कमाल होगी यार, कमाल होगी. अच्छा पहले तो सिर्फ यंग जनरेशन हुआ करती थी ना सोशल मीडिया पे, अब बूढ़े बुजुर्ग भी आ गए, बच्चे भी आ गए. मैं तो खुद देखा एक बार, मेरे दादाजी के भाई हैं, वो एक दिन बोल रहे थे, बेटे ये बिमला की फोटो है. मैं कहा हाँ, इसको लाइक कैसे करना कहता है. ये अंगूठा बना रहे थे ऐसे दबाने के लिए,
पीछे से ना उनकी बीवी घूसा तैयार करके बैठी हुई थी। अच्छा नेट पे कई तरह के गेम्स आ गए हैं जिनको खेलने के लिए आपकी उम्र 15 साल से ऊपर होनी चाहिए। कई 8 साल के बच्चे ना अपनी उम्र 15 लिख देते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, माँ बाप पीटते हैं, ये काम करता तू 15 साल नहीं लिखेगा। बच्चा भी आगे से बोलता है, अच्छा तो जो आप एंजल प्रिया के नाम से चैटिंग करते हो उसका कुछ नहीं। ये बात सच्ची है बाजी। आपको मैं अंदर की बात बताऊं, ये अपने दास दादा नहीं है, ये एंजल प्रिया के नाम से फेसबुक पे भी है। कोई भी ग्रुप हो चार लड़कों का, उसमें से ना एक आ तो एंजल प्रिया बन के घूम रहा है। पता नहीं क्या मजा आता है इनको। तो जा गया भैया, जा गया भाई, ठोको ठोको यार। थैंक यू बाजी। तो जब तक तो फोन था तब तक तो सही था, जब से वीडियो कॉल आया ना बंदा बड़ा फंस गया। कैसे? अब बीवियां फूल देती हैं, कहाँ हो? अबे दोस्त के यहाँ हूँ, वीडियो कॉल करो जरा। अब आदमी को भाग के जाना पड़ता है दोस्त के घर, पसीना पसीना पहुंच के, ये देख मैं झूठ बोल रहा था। एक टाइम था जब मोबाइल फोन ही नहीं हुआ करता था, तब फोटो सिर्फ फोटोग्राफर ही खींचता था। उन दिनों में ना फोटोग्राफर को बड़ी लिबर्टी होती थी, दूल्हे ने दुल्हन का मुंह देखा हो चाहे ना देखा हो, ये घूंघट में हाथ डालकर ठुड्डी से मुंह ऊपर कर पूरे दुल्हन को देख लिया था। दूल्हे को बड़ा गुस्सा आता था कि साला मैं तलवार पकड़ के घोड़ी बैठ के आया 3 घंटे, ये सीधा ठुड्डी को पकड़ रहा है। दुल्हन की सहेलियों का फेवरेट जो होता था ना, दूल्हा नहीं होता था, फोटोग्राफर होता था, ये अपनी दुल्हन को साइड में ले जाके ना अंदर अलग से फोटोग्राफी होती दुल्हन की होती थी ना पब्लिक। शर्माने वाली वो 4-5 पोज ही थे पहले, यही थे चलते थे। पहले के जमाने में देखो ना भाजी, फोटोग्राफर जब एल्बम बनाता था क्या बात, तो फिर फोटो देखने के लिए लोग आते थे एक दूसरे के घर पे, चाय समोसे मंगाए जाते थे, तो उस समय वो फिर एल्बम खोलते थे, पहले बड़ा वाला कवर, उसके बाद वो जो बर्फी के ऊपर नहीं लगा रहता वो भी होता था पूरा दुल्हन के ढक्के, उसके बाद दुल्हन की फोटो निकलती थी दूल्हे की, मजा आता था। माँ बाप सिखा के लेके जाते थे, बेटा फिर तेरी और मेरे बाप की फोटो ना मैं आंटी को बातों में लगाऊँ तो पीछे से खींच लेना। कई चोरियां भी होती थी फोटो। आजकल एक और चीज देखी होगी आपने, कोई भी आदमी अपनी सोशल मीडिया पर फोटो डालता ना, जैसे अभी प्रियंका और निक की शादी हुई थी तो उन्होंने फोटो डाली अपनी, कोई नीचे लोग लिख रहे हैं कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन, कई लोग अपना धंधा चालू कर देते हैं, क्या वशीकरण, ऊपर की हवा, ग्रह कलेश, संपर्क करें, ऐसे ऐसे ऐड करने शुरू हो जाते हैं। उनकी नई नई शादी हुई है, पहले ग्रह कलेश की ऐड कर रहे हैं अपनी, पता नहीं कहां से आया, हर किसी की पोस्ट में आएंगे। मोबाइल की वजह से आजकल बच्चे वैसे खेलने के लिए बाहर कम जाते हैं, लेकिन जो बच्चे जाते हैं माएँ उनको लेने चली जाती हैं, तो वो भी कहते हैं कि 5 मिनट और 5 मिनट और, बच्चों को 5 मिनट और खेलने दीजिए और आप भी उनके साथ खेलिए, क्योंकि खेलेंगे तभी खेलेंगे। वाह दादा, आप हो फेसबुक पे हैं एंजल प्रिया? ये बड़े ऐसे हमारे, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पर ये बड़े कई बार चलाक होते हैं, सोनू सूद की फोटो लगा के लगे रहते हैं। पर पाजी बड़े लोगों ने ना सोशल मीडिया पे फेक आईडी, आप में से कोई है जिसने कभी सोशल मीडिया पे फेक आईडी बना के चैट की हो? है कोई? आपने की है? आपने आपने बनाया था फेक आईडी? हाँ जी मैंने बनाया था। किस नाम से बनाया था आपने? जी निशा मिन्हास के नाम पे। निशा मिन्हास के नाम से? हाँ जी। शादी से पहले? जी जी नहीं, शादी के बाद। ऐसे क्यों बनाया था आपने? जी मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे कि मैं पक्का बोलता हूँ मैं तेरे सिवा किसी और को कभी नहीं देखता, बट अच्छा। हमेशा मोबाइल में रहते थे तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ, थोड़ा सा फेक। हाँ जी काफी होता है आपका, थोड़ा सा बहुत होता है। हाँ जी। तो फिर तो मैंने एक फेक आईडी बनाई निशा मिन्हास के नाम पे, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और अच्छी सी सुंदर सी एक फोटो डाल दी किसी की। अच्छा। एक दोस्त की थी तो इन्होंने एक्सेप्ट कर ली। अच्छा। एक्सेप्ट कर ली, फिर मेरी बातें शुरू हो गई, हाय कैसी हो, ठीक हो, इनका शुरू हो गया। फिर मैंने कहा आप मैरिड है? तो हमेशा बोलते थे नहीं मैं सिंगल हूँ, और बार बार मैं ये सवाल। अच्छा महीने तक हर 2 दिन में मेरा ये सवाल होता था, पक्का आप मैरिड हो? नहीं 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 मैं सिंगल हूँ। अच्छा ठीक है। तो उनके प्यार में ये इतना ज्यादा डूब गए, उनको नहीं पता था वो मैं हूँ। अच्छा। बस वो उनकी बातें बढ़ती गई, 1 महीना गुजरा, 1.5 महीना गुजरा, उसके बाद बोले हम मिलते हैं। अब मैंने लगा मिले तो मैं पकड़ी जाऊंगी। अच्छा। तो इसके पहले मैंने खुद ही जाकर उनको बता दिया कि वो तो मैं ही थी। अच्छा। जैसे ही इनको पता चला कि वो मैं हूँ, ये 2 दिन डिप्रेशन में चले गए। साथ आए आपके हस्बैंड? हाँ जी एक साथ में ही बैठे हैं।
कैसे हाथ हिला रहे हैं जैसे गोल्ड मेडल लेके आए ओलंपिक में. पर आपने अपना नाम नहीं बताया ओरिजिनल. जी मेरा नाम श्वेता है. और भाई साहब का नाम क्या है? सनी. सनी सरोज. हाँ जी. सनी निशा. हाँ जी. आप भी चुपचाप बंदा बैठा कोई कह सकता इतना खुराफाती बंदा होगा. सर क्या हाल है? सत्यकार जी. सत्यकार. सच बात है ये ऐसा हुआ था. अच्छा जी. मेरी बीवी से मुझे दोबारा प्यार हो गया था. ये बीवी से नहीं हुआ था? हाँ जी. आपको निशा मिनाज से हुआ था. प्रोफाइल फोटो कोई और थी भाई साहब. ये बंदा कवर अप कर रहा है. इसने पांच छह और किया हुआ है. यहाँ मैं समझ गया हूँ अभी जो भी है यही है. बस इसी में खुश रहिए आप. जी बहुत प्यारी है. इसी में भलाई है. बहुत प्यारी तो है ही. आप अभी भी जिंदा हो. नहीं तो ऐसा कभी हुआ होता तो पत्नी तो छोड़े ना. काम क्या करते सर आप? यही करते हो. मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ. इंटीरियर डिजाइनर है? हाँ जी. अच्छा जी. बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके. बहुत प्यारे हो आप लोग. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. जी आप कुछ कहने वाली थी मैडम. एक्चुअली इंसिडेंट है कॉलेज का. अच्छा जी. कॉलेज में ऐसे हम लोग चिल मार रहे थे फ्रेंड्स लोग. चिल मारना क्या होता है वैसे? नहीं मेरे को जानना है. बड़े लोग बोलते चिल मारते हैं. चिल कोई चीज होती है जिसको मारा जाता है फ्रिज में. चिल मारना क्या होता है? आई वांट टू नो. टीचर्स इतना बोरिंग लेक्चर देते हैं तो उसके बाद ऐसा मस्ती हंसी मजाक. चिल मारना नहीं ये होता बाप के पैसे मारना. क्योंकि उन्होंने खर्चा किया है आप पढ़ नहीं रहे हो वो. तो अच्छा आप चिल मार रहे थे फिर. तो लाइक फ्रेंड बहुत अपसेट लग रही थी तो पूछा कि क्या हुआ. उसने बोला एक दिन कि लाइक उसे एक लड़के क्रश है समथिंग. उसका आंसर आ रहा था कि आई नीड सम टाइम एंड ऑल दैट. लड़के ने बोला? हाँ. आईसीयू में था. क्या टाइम चाहिए उसको? लड़के तो कभी बोलते नहीं आई नीड सम टाइम. थोड़े टाइम बाद वो ऐसे इंस्टा चेक कर रहा था तो शायद उसने मेरा डीपी देखा. तो उसने वही लड़की को बोला कि ये लड़की उससे मिला बहुत क्यूट लग रही है मेरे को करके. अच्छा फिर? तो हम लोग को सबको गुस्सा आया कि मेरी फ्रेंड उसके लिए 3 महीने से वेट कर रहे हैं एंड ही इज लाइक कि यहाँ पे. सो हमने फेक आईडी बनाया. अच्छा. एंड उससे बातें बातें किया थोड़ा फन टाइप. फन टाइप क्या? मस्ती करने लगे. वो जो भी रिप्लाई देता था उसका सेम टू यू सेम टू एंड ऑल. मजाक करते थे उसके साथ. बात हुई क्या लास्ट में? बात जो बोलने वाली है आप वो पहले बोल दो. लास्ट में क्या हुआ? मतलब यही चलता रहा चिल मारते रहे और फन करते रहे. हाँ मम्मी बैठी है. मतलब पूरी जिंदगी में ना आधी जिंदगी की बातें करेगी ये लड़की क्योंकि हर चीज तो दो बार बोलती है. फन वन चिल विल. क्या करो अभी मम्मी मम्मी शम्मी भी बैठी हुई है. अरे ए, आपकी मम्मी है? हाँ. वाओ आप तो दोनों फ्रेंड्स लग रही हो आप. चालू था ही क्या? अरे मैंने तो बोला नहीं खड़े होने लगे खुद ही मम्मी खड़ी हो गई. अच्छा मम्मी इतनी यंग है और ब्यूटीफुल है तो होता ही मम्मी को कि मैं भी खड़े होके रिस्पॉन्स लूं थोड़ा. मम्मी के साथ ही आई और भी आया कोई घर से? नहीं फैमिली है पूरी. ग्रैंड मॉम ग्रैंडफादर. अच्छा ग्रैंडफादर कहाँ है? यहाँ. नमस्कार जी सर. तो ये जो बोल रही हैं आपका नाम क्या था? ईशा. तो आगे ईशा की मम्मी है आगे दादी है. बड़े छोटी छोटी दादी छोटी छोटी मम्मी. क्या बात है 3 जनरेशन बैठी हुई है. भगवान ऐसा प्यार आपका बनाए रखे. मेरी मम्मी भी है अहमदाबाद में. आपकी मम्मी? वाह गॉड ब्लेस. गॉड ब्लेस सर. ये ईशा के दादाजी है. किनके दादाजी है? चाचा जी. ईशा के दादाजी. दादाजी हैं. ये नानी. और ये जो दो आगे हैं नहीं. इनको भी ले लो फैमिली में. क्या हुआ? कपिल कपिल सुन तूने कहा ना ये भी है. अरे नहीं नहीं मैं नहीं हूँ. ये मेरे चाचा जी हैं. अच्छा जी. और ये कैमरा वाला आपका कुछ है कि ऐसे ही? बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके. इतने सब लोग आप हमें बुला लेते मैं और सिद्धू जी आ जाते उधर ही. शुक्रिया ईशा.
तो मेरे को भी एक दो एंजल प्रिया बनके मैसेज करने में दो मिनट में आ रहा हूँ. थैंक यू. बाजी आज यहाँ पे सिर्फ टैलेंट नहीं, टैलेंट का एक गुलदस्ता आने वाला है और उस गुलदस्ते में से एक एक करके मैं फूल जो है आपके सामने पेश करना चाहूंगा. सो प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल वेरी टैलेंटेड नीति मोहन. नीति आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच. क्या बात है. All the best. Welcome. नीति के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. ये मैं सिर्फ नीति का ही नहीं, इनकी पूरी फैमिली का फैन हूँ. बिकॉज ये फैमिली मुझे अपनी फैमिली जैसी लगती है. मैं बहुत बार इनको कहता हूँ, इनकी बहन मुक्ति, शक्ति, नीति और चौथी बहन कीर्ति और इनके मम्मी पापा आज यहाँ पे वो भी मौजूद है. इनके लिए भी जोरदार तालियां. ये बड़ी बात है सर कि इनकी चार बेटियां हैं, चारों ही इतनी टैलेंटेड हैं. कीर्ति चौथी बहन बैठी हुई है इनकी, तो ये स्टेज के पीछे जो दिमाग होता है ये पूरा मैनेज भी करती हैं. इनके परिवार को देख के दिल की गहराइयों से निकला है गौरव है देश का, गौरव है देश का स्वाभिमान है बेटियां, माता की झलक पिता की पहचान है बेटियां. उनके रहते होती है रहमत और बरकत, हिंदुस्तान की आन बान शान है बेटियां. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सिद्धू जी. थैंक यू सो मच. अगर आप ये कहते हैं और अगर कपिल आप जब टीवी पर ये बोला जाता है ना, तो वो सभी लोग जो अपनी बेटियों को बढ़ावा देते हैं, वो सभी लोग जो अपने बेटी को बेटे से कम नहीं समझते, मैं उन सभी को प्रणाम करना चाहती हूँ. एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग योर डॉटर्स. अरे लवली. गॉड ब्लेस. नीति ए आर रहमान साहब के साथ भी बहुत सारे शोज करती हैं. नीति जब वो बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं, मैं देखता हूँ टीवी में, कभी कभी न्यूज़ में देखते हैं हम लोग या YouTube पे देखने को मिलता है, लाखों लोग आए रहते हैं तो वो बैरियर लगाए रहते हैं, तो आपसे ऑडियंस काफी दूर रहती है जी. तो पता नहीं चलता, खाली ऐसे लाइट घूमती है तो पता चलता है इतने लोग हैं. कई बार ऐसे भी होता है कि स्टेज के बिल्कुल नीचे ऑडियंस खड़ी रहती है, वो थोड़े मूड में भी आए रहते हैं. हेलो नीति मोहन, सुन ली गाना सुना रहा एक. वो भी तो मिलते होंगे आपको. वो भी है. तो वो फिर उनको कैसे डील करती हैं आप? मैं उनको देखती नहीं हूँ, मैं उनको ऐसे जाती हूँ. मैं देखती नहीं हूँ. वो कह रहे हेलो ये वाला गाना गा दो, मैं हेलो ये वाला गाना गा दो, मैं ऐसे करते. नीति हमने सुना आप रियाज तो करती हैं, सुबह उठ के योगा भी करती हैं. हाँ जी. कौन सा वाला करती, बाबा रामदेव वाला कि शिल्पा शेट्टी वाला? मतलब नहीं, जैसे बाबा रामदेव का योगा लगता है तो आदमी एक बार देखता है अच्छा कपाल भाती, उसके बाद अपना देखता रहता कपाल भाती. लेकिन शिल्पा शेट्टी वाला होता है तो आदमी उसको देखता रहता है. तो मैं ऐसे पूछा था, ये मेरा सवाल नहीं था. ये जो बैठे हुए ना, जो बालों को सीधा आया करके, ये मुस्टंडा सा नहीं बैठा हुआ, ये जो इनका सवाल था. तो नीति आप मुक्ति और शक्ति को क्यों नहीं लेके आई? कीर्ति तो यहाँ बैठी हुई, मुक्ति शक्ति वेयर इज मुक्ति शक्ति? आपको क्या लगता है वो ऐसे ही आ जाएंगे? मतलब उनके लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए, वो माहौल बनाइए. छत तोड़ दें, हेलीकॉप्टर मंगवाए. कैसे आएंगी? अरे छत मत तोड़ो, आई थिंक थोड़ी लाइट्स डिम कर दो, थोड़े डांसर्स आ जाएं साइड में, थोड़े पोज वोज में खड़े हो जाएं. अभी लो. सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में मोहन परिवार से बाकी के टैलेंट को यहाँ बुलाना चाहता हूँ. प्लीज वेलकम एक्टर एंड डांसर वेरी टैलेंटेड वेरी ब्यूटीफुल मुक्ति एंड शक्ति. आइए नीति. जीती रहो, खुश रहो, जो तुम्हारा दिल करता करो. कमाल कर दिया, छा गई बगैर बादलों के. एक बार मुक्ति और शक्ति के लिए जोरदार तालियां हो जाए. बहुत बहुत स्वागत है आपका. हेलो मुक्ति. हेलो पार्टनर, कैसे हो? मैं और मुक्ति सोनी टीवी पे हम लोग कॉमेडी सर्कस कर चुके एक साल एंड वी वर द विनर. राग बजता है हर एक रंग बजता है. वाह. राग बजता है हर एक रंग बजता है, जा जाती है मस्ती मन का मृदंग बजता है. वाह. और आप
जब नाचती हैं मोहतरमा ऐसा लगता है कि दिल में रूप का जल तरंग बजता है। पटेक सिद्धू बाजी, इस देश में बहुत ही चंद लोग हैं जिनको ऐसे अभिनंदन से इतना प्यार मिलता है और आप ही हैं जिन्होंने इस परिवार को इतने अच्छे से स्वागत दिया है। सो जोरदार ताली आपके लिए। अरे वाह पाजी, अभी जैसे तीन चार भाई बहन हो तो किसी एक की दुकान अच्छी चल निकले ना, हाँ, तो बाकी भी उसी दुकान में बैठ जाते हैं। तो पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब नीति की सिंगिंग इतनी अच्छी चल गई तो शक्ति आपने और मुक्ति आपने, आपने दोनों ने अलग अलग करियर क्यों चुने? ये कभी लोग कहते थे कि अभी अभी तू तो फेमस हो गई है, तू गाने गाने लग गई, इनको पीछे लगा ले तो तू आगे रहना और ये तेरे पीछे यूं 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 करते रहेंगे। ऐसे लोग बोलते थे, तुम्हारी तो निकल पड़ी, तुम्हें इतने शोज मिलेंगे, तुम बहुत हो जाओगे इंडियन स्पाइस गर्ल्स बन जाओगे। तो मैं तो लगता था कि मेरी बहन मेरे पीछे नहीं, मेरे आगे खड़ी होंगी। हम आगे नहीं, हम साथ खड़े होंगे बहन। एक्चुअली ये बात मैं बताना चाहती हूँ, जब दीदी आ गई थी, फेमस हो गई थी ना, तो हम लोग बहुत कॉलेज में ना शो ऑफ करते थे, मर दीदी को देखा, मर दीदी टीवी में आती है, सबको बताते थे। फिर हमने बोला दीदी हम ऐसे कर लेते हैं ना, हम आपके पीछे डांस कर लेंगे, और फिर दीदी ने मना कर दिया। हमें लगा यार दीदी एकदम स्टार बन गई, हमको ना अपने साथ काम नहीं दे रही। कह रही कि नहीं, तुम इतने अच्छे हो कि तुम एक दिन अपने आप को प्रूव करोगे और आगे जाके खड़े होगे। तो ये दीदी का विश्वास था जहाँ हम लोगों ने अपना पैशन परस्यू किया। एंड ऐसी दीदी किसी को मिल जाए तो भाई वाह, ओहो क्या बात है। मेरा एक चीज करने का मन कर रहा है। क्या? हाँ? मतलब एकदम कपिल की शादी हुई है, थोड़ी सी बधाइयों वाला डांस ऐसा रिंगो रिंगो। अंकल आंटी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी चारों बेटियां इतनी लायक निकली हैं, चार के चार बच्चे चारों इतने लायक, नहीं तो पिछले जमाने में, अब तो खैर दो बच्चे तीन ज्यादा हो जाते हैं, पहले तो 10-12 होते थे, एक दो ही अच्छे निकलते थे। है ना? पर अब जमाना देखो कितना बदल गया है और आपको देख के इतना गर्व फील होता है। एक सवाल मेरा अंकल आपसे है, जैसे बच्चों की अच्छी सेहत के लिए माँ बाप जन्म घुट्टी पिलाते हैं, तो ऐसे टैलेंटेड बच्चों के लिए क्या पिलाना पड़ता है? व्हाट काइंड ऑफ सिरप? सिरप सबसे बड़ा जो सिरप है जी, जो माता पिता अपने बच्चों को दे सकता है जी, वो है संस्कार। वाह। आप उनको धन दो, दौलत दो, खिलौने दो, हथियार दो, कुछ भी चाहे दो, वो कम हो सकता है, मिट सकता है, नष्ट हो सकता है, लेकिन जो संस्कार यदि आप दोगे तो उस बच्चे के हर दुख में या सुख में वो संस्कार काम आएगा। वाह वाह जी वाह। आइए मैं बैठते हैं, सोफे बैठो, बातें बातें करते हैं। आज नया सोफा देखो, क्या बात है, क्या बात है, वाओ यार, न्यू सोफा यार। मैं इस सोफे पे बैठ जाऊं, पार्टनर है, सेम कलर, ये बैठ जा। नीति तो मुझे इतनी वैसी प्यारी लगती है, मैं क्योंकि इसके गाने का जब ये गाती ना, हम लोग एक दो बार बहुत ऋचा दीदी अपनी ऋचा शर्मा सिंगर उनके घर पे मिले हैं, तो ये मुझे बड़ा डिवाइन सा फेस लगता है कि ये ना भगवान के बच्चे नहीं होते जो जिनके पीछे चक्कर नहीं ऐसे घूमता, तो मुझे नीति वैसी लगती है। मुक्ति, मैं मुक्ति मुक्ति तो मैं इसको मुक्ति बोलता हूँ, मैं हमेशा इसको प्यार से मुक्ति बोलता हूँ, पर शक्ति से मेरी बहुत कम मुलाकात हुई, जितनी भी हुई ये बोलती बहुत कम थी, पर मैंने मुझे लगा, मैंने इनसे पूछा कि ये कम बोलती हैं, बोलती नहीं बहुत बोलती हैं, जब बोलने के पैसे मिलने लगे तो फिर आदमी फ्री में क्यों बोले। तो अभी ये माशाल्लाह अपने अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। अच्छा ये मैंने जैसे अभी पहले भी सवाल आपसे पूछा कि नीति बहुत अच्छा गाती हैं, मुक्ति जो है बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है और डांस भी बड़ा अच्छा करती है, शक्ति जो है बहुत अच्छी डांसर है, ये मतलब एक दूसरे की फील्ड में आपने सोचा हुआ कि मैं दीदी का गाना नहीं गाऊंगी, दीदी मेरे साथ डांस नहीं करेंगी, ये या फैमिली की स्ट्रेटजी है कि बेटा अलग अलग फील्ड में अलग अलग चैनल से जाके पैसा कमाओ? ऐसी पूरी स्ट्रेटजी बनाई थी हमने पहले ना, पहले सब सोचा बचपन में बैठ के पेपर पे, हाँ। हमने क्या कैसे लूडो खेला बैठ के ना, और जिसका जो नंबर आएगा वो वही करेगा, तो मेरे पे सिंगिंग का आया और शक्ति पे आया डांसिंग का, बस फॉलो करना था, मेरी दोनों गिटी अंदर गई, तो एक्टिंग डांसिंग होम। मुझकी एक बात बता, अगर तुझे बोले कल को तेरा होने वाला पति जो भी मिलेगा अच्छा ही मिलेगा, बहुत अच्छा, तो तुझे बोल दे कि मेरे लिए तू डांस छोड़ दे, मेरे लिए
तू आइसक्रीम खानी छोड़ दे, जो भी तुम्हें अच्छी लगती चीजें छोड़ दोगी? बोलूंगी मर जा। मैं कि छोड़ो, तू छोड़। बहुत प्यार से मर जा, बहुत ही प्यार से। मैं यहाँ पे बैठे जितने भी तमाम हमारे दर्शक हैं, मेहमान हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप प्यार में जब अंधे हो जाते हैं तो आप अपने अपने पार्टनर के लिए क्या क्या छोड़ सकते हैं? ओए भाई साहब ना, हाथ खड़ा हुआ पहले तो। ओए ओए ओए, क्या हाल है सर? बढ़िया है, ठीक ठाक है। तो ठीक है, बैठो फिर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जहीरुद्दीन नूर निजामुद्दीन जमाल कुरैशी। अरे अरे अरे, क्या बोल रहे हो? नाम बोल दिए? नहीं नहीं नहीं, नाम नाम, एड्रेस नहीं, नाम। ये छोटा ही नाम है। कहाँ से आए पहले तो ये बताइए सर। मैं सर इंदौर से आऊँ। आपके तो नाम की भी उतनी टिकट लगी होगी जितनी आपकी। तो कुरैशी साहब जी, आपकी शादी हो गई है? अभी तक तो नहीं हुई। लड़की बताएगी भी क्या कि मैं जमालुद्दीन अहमदुद्दीन कुरैशी से प्यार करती हूँ? सर मेरा ये मानना है कि प्यार बड़ा ही खूबसूरत एहसास है। अगर आपसे कोई अपना छोड़ने के लिए मांगता है, घर छोड़ने के लिए, नौकरी छोड़ने के लिए, ट्विटर छोड़ने के लिए, फेसबुक छोड़ने के लिए, तो ये बहुत छोटी चीजें हैं। क्या बात कर रहा है, कपिल से पूछ, बहुत बड़ी चीजें हैं। क्या बात है? अरे क्या बात। तो पूछ, छोड़ सकता है वो? मेरा ये कहना है कि आप जिसे जान से ज्यादा प्यार करते हैं तो उसके लिए तो जान ही दी जा सकती है, जान ही छोड़ी जा सकती है। मतलब मैं तो इस चीज में नहीं बिलीव करता। अगर आप किसी को प्यार करते हो उसके लिए जान ही छोड़ दो, ना उसको कुछ मिला ना आपको, पर मिला क्या ढुल्लू? अपना बीच का रास्ता निकालना चाहिए ना। सर मेरे साथ हमेशा ट्रेजडी हुई है। अच्छा जी, पहले मेरी लाइफ में समीना आई। नाम मत लो भाई। फिर सारे दोस्तों में सबसे पहले मुझे प्यार हुआ। अच्छा जी, और सबसे पहले मेरी शादी होने वाली थी। अच्छा जी, लेकिन जो फिल्मों में ड्रामा होता है वो मेरी लाइफ में हो गया। क्या हुआ मेरे को बताओ, मेरे को बड़ा मजा आता है। शादी दूसरे के साथ हो गई। और दूसरी बार सलमा आई। अच्छा, लेकिन जी फिर ट्रेजडी हो गई। अच्छा जी, फिर शादी दूसरे के साथ हो गई। वो दूसरा कौन होता है? यानी यहाँ तक नहीं रुकी, फिर तीसरी आई। फिर तीसरी आई। उनका क्या नाम था? उनका नाम था सुरैया। अभी जो चौथी है वो भी एस से ही आती है। चौथी अभी है ना? हाँ चौथी है। तो उसने जो अभी तीन नाम सुने ना वो भी जाएगी, अब देखना। पर बड़े मजेदार इंसान हो। इंदौर में क्या करते हो सर आप? सर मेरा तो ये सिद्धांत है कि ऊपर वाला दे खाने को तो कौन जाए कमाने को। अभी मुझे पता चल गया तीनों क्यों गई। ऊपर वाला दे खाने को, कौन जाए कमाने को। आते आते बैठे बैठे आए बदबू, दिल नहीं करता नहाने को? ऐसा नहीं होता भाई साहब। ऊपर वाला तो यार काम तो करना ही पड़ेगा ना। पर कुरैशी साहब आप इंसान बड़े मजेदार हैं। सर मैं इन दर्शकों की तरफ से और पूरे हिंदुस्तान की तरफ से आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हिंदुस्तान की तरफ से क्यों, आप प्रधानमंत्री हैं? जी कुरैशी साहब प्लीज प्लीज। कपिल सर। हाँ जी। जब आप हमको छोड़ के गए थे तो ये हमारा दिल ही जानता है कि हमने वो दिन कैसे गुजारे। वाह सो स्वीट, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए। बस यही इंतजार रहता था कि आप कब आएंगे और कब से ये शामें रंगीन होगी। सो स्वीट, थैंक यू थैंक यू। अरे आप खड़े हो? मैं आपकी सलमा थोड़ी नहीं वापस रहा हूँ। सर आपकी मोहब्बत है ये। शुक्रिया आपका वापस आने के लिए और सारे दिलों पे छाने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया सर। अब आपसे केवल यही गुजारिश है जी कि आप कभी हमें छोड़ के नहीं जाइएगा। नहीं जाता सर, अब तो जिम्मेदारियां बड़ी हैं। पूरे हिंदुस्तान के दिलों पर राज करते हैं आप। लव यू सर, लव यू। मैं बदले में यही कर सकता हूँ जो तीन गई हैं
तो वो हो सके तो थोड़ी थोड़ी वापस आ जाओ. अच्छा वो तो शादी होगी. सॉरी सॉरी उनकी शादी हो गई है तो जो चौथी मोहतरमा इनकी लाइफ में आई है वो टिकी रहना बंदा है मजेदार. ठीक है मैं समझाऊंगा काम पे भी जाया करेंगे. पर बड़ा मजा आया कुरैशी साहब आपसे बातें करके. थैंक यू लव यू शुक्रिया. बैठिए प्लीज. और भी हमारे कोई दोस्त हैं अपने. जी भाई साहब. सर प्यार के लिए मैं भी बहुत कुछ छोड़ना चाहता था लेकिन प्यार करने का मौका ही नहीं मिला हमें. मैंने कहा कि क्या क्या छोड़ सकते हैं आप. आपने कहा कि मैं छोड़ना चाहता था. भाई तेरे को भी मेरी चुम्मियां ले ले आके मैं क्या बोलूं. मौका नहीं मिला उनको कह रहे हैं. पहला आदमी देखा छोड़ना चाहता हूँ मौका नहीं मिल रहा. तो मतलब क्या कैसा मौका चाहते हैं आप. कहाँ से आए पहले तो ये बताएं आप. सर मैं यूपी से हूँ गोंडा जिला से. क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए. मेरे फैमिली ने मेरी अरेंज मैरिज फिक्स कर दिया है. कभी है कभी 8 मार्च को. ना अच्छा. ही तो मैं लड़की को भी देखा हूँ ना ही तो मिला हूँ और अच्छा. ना ही तो उसको मैं जानता हूँ. और अच्छा. मैं जिस लड़की से प्यार करता था उससे मैं शादी करना चाहता था. तो अच्छा. मैं फैमिली को बहुत बोला लेकिन फैमिली मेरी नहीं मान रही है. तुम्हें पता नहीं एपिसोड टीवी आएगा 8 मार्च से पहले. तो ये जो अरेंज हुई ये भी टूट सकती है देख लो. नहीं नहीं हाँ जी ये कह रहा है मैं उससे प्यार करता था. हाँ जी लेकिन जिससे तू प्यार करता है वो मानती है क्या. वो मानती है शादी करना चाहती मेरे से. अरे वाह फिर तो बन गई बात. फिर क्या प्रॉब्लम. आपकी फैमिली आई आपके साथ. नहीं सर मैं अकेला रहता हूँ मुंबई मेरे जीजा जी के साथ दिलीप वर्मा. तो उनसे बात की आपने. हाँ जीजा जी तैयार है लेकिन मेरे पापा ने तैयार है ना. अब इतने मौके तो मिल रहे हैं. एक तरफ अरेंज हुई पड़ी है काम सेट है 8 मार्च को. दूसरा आपने भी ढूंढ रखा है. अभी मन में क्या टीवी पे बोल दो ना. अभी वो जो सुन रही होंगी जिनसे अरेंज मैरिज हुई है अगर तो उनको आप फिर भी ठीक लगे उनके ऊपर है. तो जो आपको प्यार करती है जो है तो मेरे को नहीं पता. जो बोलना बोलो आप. सर मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे ही शादी करूंगा. तो फिर उनको क्यों 8 मार्च की डेट दे दी. सर उसे पापा दिया मैंने नहीं दिया सर. ना तो मेरे से बात हुई अभी तक. कैसा बंदा पहले बता. मौका नहीं मिला दो दो मौके टाड़ के बैठा हुआ. पर चलो जो भी आपको अच्छा लगता है वो करो. हम बाहर हैं इस केस से. हमारा नाम नहीं लेना है. अभी फैमिली में साथ कोई नहीं आया. दीदी जीजा भी नहीं आए. नहीं जीजा जी हैं मेरे. कहाँ हैं. उधर जीजा जी. जीजा जी कराओ यार कुछ. जीजा जी कुछ करो यार क्या कर रहे हो. सर उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए किससे करना चाहिए शादी. अच्छा कंफ्यूज्ड. हाँ कंफ्यूज है वो. बहुत सारी देख के रखी है उन्होंने. एक नहीं है साहब कम से कम 8-10 होंगी. और इसमें कौन सी होगी वो मुझे पता नहीं. वाह मेरे गोंडा के ऋतिक रोशन. 10 लोग मेरे से प्यार करते हैं मैं सिर्फ एक से करता हूँ. किस किस को प्यार करूं इनको यही नहीं समझ में आता. ओह ये तो. पर यार तुम्हारा ना केस बड़ा मजेदार है. एक काम करो अभी कुंभ चल रहा है जाओ और गुम हो जाओ. और उसके बाद एक दूसरे को मिलो मत. तो फिर तुम जो करना चाहते हो वो करो जो तुम्हारे पापा करना चाहते वो करो. ओ यार शुक्रिया अनु बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. हाय हाय नीति जी आपका गाने का मैं बहुत बड़ी फैन है. थैंक यू. आपका वो वाला गाना मेरे को बहुत पसंद है. वो बहने दे मुझे बहने दे. अबे इनका गाना नहीं है वो. अच्छा किसी और ने गाया बहने इधर देकर चला गया. आए, आए। अच्छा मैं एक आप बहुत नाराज है आप लोग से. क्यों. आप लोग इतना फिल्म इंडस्ट्री में काम करते फिल्मों में आपका जब होम प्रोडक्शन आया तो उसमें काम क्यों नहीं किया. इनकी कौन सी होम प्रोडक्शन थी. मोहनजोदारो. हे भगवान. मैं मोहनजोदारो की पूरी खुदाई देखी. मोहन सिस्टर को किधर भी नहीं देखी मैं. कप्पू मैं तेरे को अंदर की बात बताऊं क्या. अच्छा बता. ये 4 सिस्टर ने 5 सिस्टर है. पांचवी कौन है. मैं. कैसे आप कैसे हमारे सिस्टर हो. सपना मोहन. पप्पा.
कि कैसे बिन बुलाए बहन बन गए आप? मेरे क्या कुंभ के मेले में मैं गई ली थी। अच्छा। उधर से पानी में मैं डूब गई तो भय के सीधा नाला सुपर पहुंच गई। तू कुंभ कब गई थी? मैं हर साल कुंभ में जाती है कप्पू। झूठ बोलती है, तुम तो 12 साल बाद लगता है। हाँ तो मैं चल के जाती ना, 6 साल जाने को लगता है, 6 साल आने को लगता है। आए, आए। ऐसा रहता है मेरा। उधर तो मैं आधा घंटे ही रहती है। हाँ दीदी, मेरे को जाना पड़ता है ना, मेरा कुंभ राशि है ना। तू तो कह रही थी मकर राशि मेरी। पता है कप्पू, मकर राशि में बहुत प्रॉब्लम रहते रे। क्या? मैं रोज पेपर में पढ़ती है ना कि तेरा जमेगा नहीं दोस्तों से, पीपल का पेड़ के नीचे दिया जलाओ, बिल्ली को खीर खिलाओ, चूहे को रोटी खिलाओ, मेरे को परवड़ता नहीं तो मैं चेंज कर दिया। तू पागल है सपना? ऐसे राशि कौन चेंज करता है? अच्छा, इतना चैनल चेंज करके मांगे राशि क्या चीज है तेरे लिए? तेरे लिए मैंने पूरा कैरेक्टर चेंज कर दिया, राशि क्या चीज है बता मेरे को। छा गया गुरु, छा गया। बेटी ना आप लोग, तेरे साइड लॉक दिख रहे हैं, कैसी लड़की है तू? साइड रोल करती है तो साइड लॉक दिखेगा ना। मुझे भी पैर छूना पड़ेगा, एक सेकेंड। आपको बहुत ही, आपकी बहुत ही डीप बातें। अरे मेरा तेरे को तू अच्छी है, मेरे बहन जैसी है। मैं सच्ची बताऊँ, तेरी शादी होगी ना मुक्ति, तो देखना तेरे पति को जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि शादी के बाद उसको मुक्ति मिल जाएगी ना। मेरे को बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मेरा थोड़ा टचअप भी कर दो ना। करती करती है। करती है। सपना, हाँ। क्या मनहूस बातें कर रही है? अच्छी बात कर कोई। अच्छा? हाँ। अच्छा नीतिन, ऐसा किचन रहता है ना, हाँ। उसमें ऐसा नलके का पानी खुला रहेगा, नलका बंद कर देने का, उससे पानी वेस्ट नहीं होते। और जो नमक का डब्बा रहता है ना, उसको टाइट बंद करने का, हवा जाएगी तो सीलन नहीं रहता है उसके अंदर। अच्छी बात की, कोई हंसा क्या इस बात पे? हंसा कोई। तो जो मैं कर रही है मेरे को करने देना। क्या प्रॉब्लम है? अच्छा मैं शक्ति का बात करेगी। आप वेस्टर्न डांस बहुत अच्छा करती है। वेस्टर्न डांस होता है? वेस्टर्न पे डांस भी होता है? मेरे को तो वेस्टर्न पे प्रेशर ही नहीं आता है। हाँ सच्ची में इंडियन का ना ऐसा खुल के अलग ही मजा रहता है। क्यों सिद्धू जी? गेस्ट के सामने ऐसी बातें कौन करता है? चलो जाओ अंदर। मैं तो कप्पू प्रमोशन करने तेरे शो पे, सब आते हैं ना प्रमोशन करने। हाँ। मैं इधर का प्रमोशन, मेरा ब्यूटी पार्लर है। हमारे इधर बहुत अलग अलग टाइप का मसाज है, जैसे सांबा मसाज। वो क्या होता है? उसमें का कस्टमर आता है, हम उसको पूछते कितने आदमी थे, वो बोलता है 2, तो बोलते जाके उससे मसाज करा, इधर क्यों आया कुतरे। ऐसा रहता है। फिर हमारा चाचा मसाज बहुत फेमस है। मसाज तुम्हारे चाचा करता होगा ना? नहीं नहीं, वो मामा से करवाते। क्यों? मामा से क्यों? अभी मामा इतना सोचते भांजे के बारे में, भांजे को भी मामा के लिए सोचने चाहिए ने। और एक बात बोलू कपू? हाँ। बच्चे लोग से हमेशा गलती हो जाती है, बड़े लोग को माफ कर देना चाहिए। आई लव माई मामा। रिश्ते बनाने में इसका जवाब नहीं कोई। जवाब नहीं मेरे को, आप ऐसे हमेशा गाली देते हो। मैं हमेशा बुरा बात नहीं करती, अच्छा बात भी करेगी मैं। अंकल आओ ना, अंकल अंकल के लिए जोरदार ताली हो जाए। मैं सच्ची में एक बात बोलना चाहती हूँ आप सब लोगों से, आप सब लोग जो बैठे टीवी पे शो देख रहे, बहुत लोग बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अंकल है जिन्होंने वाकई बेटी को पढ़ाया लाए और टैलेंटेड बनाया लाए। अंकल के लिए जोरदार ताली हो जाए। और सच्ची में आप लोगों ने भी दुनिया को प्रूव करके दिखा दिए लाए कि लड़कों से आगे रहती है लड़कियाँ। अंकल दिल से एक बात बोलूँ, 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे। पापा कह रहे रहने दे, तू 5वीं बेटी नहीं है। सपना मोहन नहीं है।
नहीं है, पापा ने रिजेक्ट कर दिया। मैंने कितनी बार बोला गेस्ट से पैसे नहीं मांगते? नहीं मांगती, मैं जाती है। सिद्धू जी 1 करोड़ रुपए दो ना मेरे को। अरे मेरे से तो तू 2 करोड़ ले ले यार, क्या क्या बात कर रहे? 2 ले ले यार, क्या पिछली बात बार 3 बोला था, आपकी गाड़ी की हवा निकालेगी मैं देखना। मैं छोड़ेगी मैं देखना। सो गुड सपना मोहन खा गए, क्या बात है। आइए आइए प्लीज पाजी। वैसे नीति की ख्वाहिश थी कि संजय लीला भंसाली साहब की फिल्म में कभी गाएं, तो इन्होंने बड़ा ही खूबसूरत गाना गाया नैनो वाले ने पद्मावत में, और उस गाने की कोरियोग्राफी जो की है वो शक्ति ने की है। देखो really? सारा बिजनेस घर पे आ रहा है। अच्छा तो आप वो गाना गाएं और मुक्ति और शक्ति नाचे, क्या बात है। और मैं भी लहराऊं। yes. मैं दीपू बन जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है? मुझे मार ना देना, पेड़ बन जाए। चलो चलिए, क्या बात है। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू। तो आपके यहाँ पे बहुत सारे फैंस हैं, कोई बात करना चाहता है हमसे? ये आपसे बात करना चाहते हैं। मैं वहाँ जाऊँ? जी प्लीज प्लीज, एक बार निहार के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि इन्होंने हाय किया और सब तीनों बहनें हंसने की लग पड़ी, तो ये भाई साहब वही हैं जिन्होंने नीति का दिल जीत लिया है। सो ये इनके होने वाले पति हैं। क्या बात है, इतना स्मार्ट लड़का, देखो जोड़ी कैसी प्यारी है। जीजू आज जीजू जीजू का जीजू तुम्हारे जूते चुराते हैं। मैं सोचा बारात में होना है तो मेरी साइड होना था ना, मुझे दोनों तरफ से बुला लो। हम बस ये चाहते हैं कि आप जूते चुरा के हमें दे देना बस। यार एक बात बताओ निहार, तुम्हारी 3 सालियां हैं तो एक ही जोड़ी पहन के जाओगे, 2 जोड़ी एक्स्ट्रा भी लेके जाओगे? गुजराती हूँ, सोच रहा हूँ एक भी ना लो। पंजाबी और गुजराती का मिश्रण होने वाला है, मजा आने वाला है। निहार आपका बहुत बहुत स्वागत है, आओ बैठ जाओ, आज तो फैमिली इकट्ठी हुई पड़ी है। निहार एक बात बताओ, आपने नीति मोहन के प्यारे मोहन बनने का मतलब ख्याल कैसे है? कब से नीति को उस नजर से निहार रहे हो आप? कंपटीशन कब तैयार हुई आप दोनों की? 1 साल पहले एक दोस्त की शादी पे मिले। अच्छा गोवा में? अच्छा वो 3 साल से बात कर रहा है, आप दोनों को मिलाऊंगा। अच्छा फाइनली उसी की शादी में 1 साल पहले हम गोवा में मिले। वाह तो पहली नजर में ही मतलब फाइनल हो गया कि हम शादी करेंगे? कन्फर्म। वाह क्या बात है भाई। तो अगले हफ्ते इन दोनों की शादी है और दोनों बड़े प्यारे लग रहे हो आप, कंप्लीट फैमिली बैठ गई। अंकल बहुत बहुत मुबारक, आपको कुछ शगुन देना चाहें आप तो मुझे दे सकते हैं। हमारे कुछ दर्शक थे जो बोल रहे थे कि हमने तो नीति को सुना है हमेशा स्टेज पे गाते हुए, नीति एकदम भोली सी है, क्यूट सी है, तो किसने पहले किसको प्रपोज किया होगा? जाहिर सी बात है आपने किया होगा, लड़के ही ऐसे काम करते हैं पहले। तो ये देखना चाहते थे, बाकी आपके ऊपर है। मैं ऐसे ही अभी थोड़े दिन पहले ऑफिशियली ऐसे फार्म पे थे। अच्छा तो पेड़ के नीचे मैं ऐसे लेके गया वॉक पे। अच्छा तो करके दिखाओ जरा, आ जा नीति। इमोशनल हो गया मैं, क्या दूं तुम्हें यार, ये मेरी तरफ से एक एक सेब आपको। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। इसका सपना था। अच्छा इसने अपनी मम्मी को बोला था क्या, मैं बड़ी होके एक फ्रूट वाले से शादी करूंगी। फ्रूट वाले से शादी करूंगी। मम्मी मेरी शादी फ्रूट वाले से करवा देना। ये लो जी फ्रूट वाले से शादी हो गई। नहीं सच में इनका फार्म हाउस है, वहाँ फ्रूट ही फ्रूट है। जाओ सारा परिवार चीकू संतरे खाओ, जाके मौज करो, हमारे भी भेजते रहना थोड़े थोड़े। बहुत बहुत मजा आ गया मिलके अभी। जीजा जी इतने रोमांटिक। आगे आगे देखो। ओह क्या क्या बात है। निहार आपके तो दो दो बधाइयां बनती हैं, एक तो आपकी नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है, और दूसरा पाजी मैं करियर की बात करूं तो अभी मनी करने का फिल्म से इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। सो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आगे भी आप बहुत प्यारी प्यारी फिल्में करें। थैंक यू, थैंक यू। अरे यार मजा आ गया। नमस्कार। कैसी हैं आप? हेलो माय सेल्फ बच्चा यादव। कपू शर्मा व्हाट यू आर डूइंग यार, आज इंटरव्यू मत करो, रियलिटी शो करो यार कोई।
बैठिए बैठिए आप लोग बैठिए बैठिए वैसे बताइए आप लोग क्या लेंगे मतलब ऑडिशन लेंगे आलाप लेंगे या डांस का स्टेप लेंगे क्या लेंगे गेस्ट से आदमी चाय भाई पूछता है बच्चा क्या यार हम तो पूछ लेंगे आप पिलाएंगे क्या लेकिन यार बड़ा खुशी हो रहा है आप लोगों से मिलके कितने प्यारे आप सब लोग ओहो मोहन सिस्टर्स के पापा जी मोहन जी भी यहाँ पर मौजूद हैं कैसे हैं आप सर नहीं लेकिन सर मानना पड़ेगा आपने क्या कमाल की नीति बनाई ऐसी कलाकृति दिखाई कि जीवन में मुक्ति पाने से पहले आपको शक्ति मिल गई वाह दिस इज अ फैमिली जोक ऑल इंक्लूसिव वैसे शक्ति हम आपको एक सलाह देना चाहेंगे तू क्यों सलाह देगा बे आप दे दो यार कुछ पता है तो अपना दुकान का किराया तो दे नहीं पाते हैं सलाह कहाँ से देंगे यार बताइए बच्चा जी हम आपको एक सलाह देते हैं गुरदास मोहन जी का तो आपने नाम सुना है बिल्कुल उनके बेटे को बाय चांस जानती हैं आप कुछ नहीं अगर जानती भी है थोड़ा सा ना डिस्टेंस रखिएगा दूर रहिएगा क्यों नहीं बाय चांस मुलाकात हुआ प्यार व्यार हो गया शादी वादी हो गया फिर ये शक्ति से शक्तिमान हो जाएंगे चलिए मान खानदान में अगर हो भी गया शादी वो तो फिर भी ठीक है कपूर फैमिली टोटली अवॉइड क्योंकि शक्ति से शक्ति कपूर फिर श्रद्धा कपूर आपको पापा पापा बोलेंगे हमको अच्छा नहीं लगेगा बच्चा हो गया तेरा हमारे तो 11 हो गए आपका क्या प्लान है शो के स्पॉन्सर ही बढ़ाते रहेंगे कि परिवार भी बढ़ाएंगे कपूर सर वैसे नीति जी आप सुर कमाल का छेड़ती हैं कभी थोड़ा सा टाइम निकाल के हमें भी छेड़िए ना शर्मा नहीं चाहिए अगले हफ्ते उनकी शादी है तो अगले हफ्ते ना हम आज बोल रहे हैं निहार जी से शादी हो रहा है अच्छा बात है यार अच्छा आपका शादी में अच्छा लगेगा ऐसा निहार नीति सुन के भी अच्छा लगता है नहीं गलती से कहीं आपका शादी राज से हो रहा था तो आपकी शादी में राजनीति हो जाती है फिर शगुन की जगह लोग वोट डाल के चले जाते हैं यार जी आप बहुत लकी हैं मतलब कितनी प्यारी प्यारी सालियां पाई हैं आपने यार मतलब एक बार इंसान देखे देखता रह जाए और हमारी सालियां हैं यार ओ हमारा शादी हुआ जूता चुराई पे हमसे कहते हैं 1,000 रुपया दीजिए हमने कहा 10,000 देंगे कल से दिखना मत यू कांट इमेजिन अच्छा बच्चा जूते तो तूने वापस ले लिए गर्दन भी वापस लेनी चाहिए थी ना कपूर शर्मा हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो देशवासियों से क्या बनाए रखने के लिए कहते हैं शांति तो बना के रखिए ना कैसे लाते हो वैसे आपको नीति जी बताएं हाँ जी सिंगिंग आई लाइक हमको पसंद है हम भी थोड़ा गाना गा लेते लेकिन बाथरूम सिंगर टाइप जो तू बाथरूम में करता है वो सिंगिंग नहीं होती जब भी बाथरूम में जाता है हिप हॉप म्यूजिक की आवाज आती है फालतू बकवास करते पहले तो हम जानना चाहेंगे कि हमारे बाथरूम में आप ताक झांक क्यों करते हैं कपूर शर्मा आपको स्मेल आनी चाहिए क्योंकि शर्म तो आती नहीं है आदमी को वैसे भी खैर वैसे आपको बताए शक्ति जी मुक्ति जी हम डांस का भी शौक रखते हैं कहाँ रखते हैं जगह तो है नहीं यार कभी कभी आदमी कहता है जगह है नहीं कभी कहता है बहुत ज्यादा जगह यू टेक अ स्टैंड यार कमाल है यार देखिए हम ना डांस वांस करते हैं हमें अच्छा लगता है टुडे आल्सो अगर आप हमारे साथ डांस करें क्योंकि क्या है हमारी वाइफ है और उनका डांस थोड़ा अजीब है यार वो आप गाड़ी में देखे होंगे ऐसे वो ऐसे चिपकाने वाले आते हैं गाड़ी में डैशबोर्ड में वो ऐसे 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 हिलते हैं
कुछ ऐसा टाइप का वो डांस करती है हमारी बीवी, तो मजा नहीं आता है। और आपको क्या बताएं यार, आप जैसे हॉट और सुंदर लड़की के साथ डांस करने में तो कोई हमारा हाथ पकड़ ही नहीं सकता। आप अगर अभी बताती हूँ तेरे को ड्रम, तेरा हाथ नहीं आज तो मैं तेरी गर्दन पकड़ूंगी। गर्दन हमारे पास है नहीं, क्यों कपूर सर? यह हमारी वाइफ, जो हॉट और सुंदर लड़की के बारे में हम कह रहे थे, हमारी वाइफ वो यही है। हॉट एंड सुंदर जैसे मुझे तो सच पता ही नहीं है, मैं भी रोज शीशा देखती हूँ, मेरी भी चीखें निकलती हैं। भाभी सही कह रही हो, पता क्या बोल रहा था अभी? क्या? ये उनको बोलता था मुक्ति शक्ति को, बोलता हाथ पकड़ के डांस करते हैं, ऐसे बदन में झुरझुरी होगा, ऐसे बोल रहा था। कप्पू शर्मा, जिस आदमी को हम दोस्त समझ रहे थे वो तो ननद निकला यार। झुरझुरी पाजी, रोज दिन रात सुबह सुबह इसकी पुड़पुड़ी मैं सुनती हूँ। झुरझुरी। हेलो नीति, हेलो शक्ति, हेलो मुक्ति, कीर्ति। वाह अंकल जी, ये फैमिली बनाई के राइम बनाई है। वाह क्या कमाल की बात बोली, मजा आ गया तितली। ज्यादा मेरे साथ फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है, मजा ही आ गया। पाजी ये बंदा किसी काम का नहीं है। मेरा कल सिर दुख रहा था अंकल जी, मैंने उसको कहा एक कप चाय बना दो, ये बंदे ने चाय नहीं बना के दी थी। अरे ऐसी बात नहीं है, हमने चाय बनाई और पी भी है। तो मुझे क्यों नहीं दी? अरे आपके पिताजी ने हमसे कहा था कि बेटी नहीं पीती है। पाजी मैंने कुंगरू मार के मुंह छील देना इसका। मेरे पिताजी ने कहा था कि मैं दारू नहीं पीती। अरे दारू नहीं पीते तो सर दर्द क्यों हो रहा है? अरे बच्चों की वजह से। अरे बच्चों की वजह से उल्टी होती है, सर दर्द नहीं होता है। What are you doing? पाजी ये बंदा उल्टी सीधी बातें करता रहता है। मैं कहती हूँ नीति ये किसी काम का नहीं है मोटा। मैंने उस दिन कहा कि प्लीज मेरे को मेरे पापा के घर ड्रॉप कर दो। तो खुद ही तो कहती रहती हो मैं पापा की परी हूँ, पापा की परी हूँ। परी हो तो उड़ के जाओ ना पापा के पास। अच्छा जी, मैं तो हूँ पापा की परी। तुम तो बड़ा कहते हो कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। उस दिन जरा सी पाजी चाय गिर गई, इतना बागा टट के मुंह खोल के रोया। अरे गिरी नहीं थी चाय, हमारे मुंह पर फेंकी गई थी। पाजी इसने बात ही ऐसी की थी, इसकी हरकत सुनोगे ना पाजी आपको शर्म आ जाएगी। अच्छा देवर जी ये मेरे को फिल्म दिखाने ले गया थिएटर में, मैं जैसे ही अंदर घुसी पाजी लाइटें बंद, मैं इसकी नियत समझ गई। पाजी मैं वो भागी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। थिएटर में लाइटें बंद ही होती है, कोई समझाओ इसको। 11 बच्चे हो गए पाजी, मैं इसको नहीं समझा सकी, मुझे कौन समझाएगा। पाजी मैं कुर्सियों के ऊपर छलांगे लगा लगा के भागी हूँ पाजी। पाजी मेरे को इतनी चोट लगी, हार के मुझे एक दीदी दरवाजा मिला, वहां से निकल के मैं बाहर गई। वो भी वॉचमैन कहता मैडम जी इधर दरवाजा नहीं था, आप दीवार फाड़ के निकले हो। भाभी आपके ना झगड़ा देख के बड़ा मजा आया, अब आप लोग अंदर जाओ जाओ। नहीं देखे मजा इतना आया तो दो चार स्पॉन्सर हमको भी दिला दो यार। स्पॉन्सर आए, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो जो मैं आज तक कभी से नहीं किसी से कह पाई, एक औरत होने के नाते शायद आप मेरी बात समझ लें। ये जो चैनल वाले हैं ना आपके नाम बुलवाते हैं, हमें एक पैसा नहीं देते उसका। नेक्स्ट टाइम से ना हम आपके नाम बोल दिया करेंगे और आप हमको सीधा पैसा दे देना, क्योंकि काम भी तो हम लोग ही करते हैं ना, है ना सिद्धू भाजी? बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद। बाकी सब तो ठीक है, सिद्धू पाजी से इतना फ्रैंक होने का जरूरत नहीं। वो खुद मेरे साथ बहुत होते हैं फ्रैंक। मुझे कहते हैं अरे तितली गॉसिप सुना, मैंने बोला पाजी आपको कहते हैं हाँ जी 2 2 4 4 2 8, आज से तू मेरी नूरानी और मैं तेरा जठको तली। मैंने सिद्धू पाजी में बोली भी बना दिया फटाफट। क्या क्या सुनाऊं?
हाँ सुना साथ में वो लेडी संगीत भी हो जाएगा हाँ हाँ चलो भाभी हाँ जी कितना अच्छा लगा आप आई यहाँ पे सच्ची निकलो इधर ऐसे कैसे निकल जाऊँ मैं जो इतना गुस्से से भरी आई थी पास ही मौत मैंने में निकाला ही नहीं निकालो इधर आ गई अरे ऐ क्या कर रहे हो आ जाओ नहीं नहीं छोड़िए आपको बहुत नाचने का शौक था ना अरे नहीं नहीं हम तो ऐसे ही छोड़ दिए बांधो घुंघरू तो बांध देते हैं इसमें क्या है अरे मेरे नहीं अपने और सुनो जी जब तक आपके पांव चलेंगे ना आपकी सांस चलेगी चलो भी चलो अरे यार हमारे लिए अपनी माँ को क्यों मार रही हो ओ हेलो तुम्हारी सांस की बात नहीं कर रही सांस चलेगी ये वाली सांस चलेगी अच्छा पहनते हैं ऐसा नहीं दीदी आप बैठ जाओ मैं बैठ जाओ क्या काम दे दिया है हो जल्दी करो मैं पहन लिया है लेकिन ये जो एक क्लासिकल टाइप का जो डांस है ये हमें आता नहीं है थोड़ा सा आप मदद कर देंगे प्लीज लाइक आइए आइए थोड़ा जानकारी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन्होंने अच्छा डांस किया बहुत अच्छा बाजी उनको मारू के ना मारू नहीं मारू नहीं मारू भाभी नहीं नहीं बहुत अच्छा डांस किया मारो चलिए अरे रुक जाइए चलिए चलिए जाइए बच्चा जोक्स तो सुना नहीं अरे देवर जी लड़कियां भी होश कर रही इधर डिमांड किया है क्या जॉक्स जॉक्स नहीं सुना अरे अरे आप हमारा क्या है एक जॉक्स का पिटारा लेके घूमते हैं हमको बहुत जॉक्स आते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो आप ब्रेकफास्ट में नहीं खा सकते नॉट अलाउड ओनली नहीं खा सकते क्या इट इज लंच एंड डिनर लंच में खाएंगे डिनर में ब्रेकफास्ट में कैसे खाएंगे ओके 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 वन मोर एक बार एक घना जंगल था हाँ देयर वाज ए हाथी आपको देख के नहीं ऐसे घना जंगल था उसमें एक हाथी था अचानक से वहां पे बहुत सारी बारिश हो जाती है हाथी क्या करेगा क्या करेगा भीग जाएगा भाभी बेल्ट कहाँ है तुम्हारी अरे नहीं नहीं रे, रे। लेकिन मजा आया आप लोगों से मुलाकात करके थैंक यू अरे मिलने तो दीजिए यार क्या है ओके कंग्रेचुलेशन टू यू थैंक यू जी बाय दुल्हन बाय बाय मेरी दुल्हन चलते हैं यार थैंक यू यार ये क्या बदतमीजी है पागल ही हो जाते हो आप लोग फ्रूट कभी देखे ही नहीं इन्होंने रुको एक बार नीति शक्ति मुक्ति और पूरे परिवार के लिए निहार के लिए जोरदार तालियां आजो आजो अंकल आंटी आप भी आओ ना प्लीज हमारा दिल तो नहीं है जाने का और ना ही हम जा रहे हैं लेकिन खाली ऐसे क्योंकि 11 बज गए हैं तो आपके लिए ये लाइन ले रहे हैं कि आप सब हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए अपने आसपास सफाई रखिए ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो लेकिन जाने से पहले हम नीति से दरख्वास्त करेंगे कि जो इनका नया सिंगल एक सॉन्ग जो है बड़ा ही ब्यूटीफुल है वो यहाँ पे हमारे दर्शकों के लिए पेश किया जाए और हम सब
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.